नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मैथ का एक नया टॉपिक रहेगा आपका पहला, जिसमें हम जानेंगे अनुपात एवं समानुपात क्या होता है। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक से जब जानकारी को पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है और इसमें एकदम छोटी से छोटी जो बातें होती हैं, जो एकदम बेसिक चीज़ें होती हैं, वहाँ से हम इसकी स्टार्टिंग करने वाले हैं। सबसे पहले जैसे कि आप लोग देखना चाहते हैं अनुपात एवं समानुपात, जिसे अगर इंग्लिश में कहते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। देखिए अनुपात का मतलब होता क्या है, इसका हम जीवन में कहाँ उपयोग करते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन हम उन चीज़ों को अपनी लाइफ में ठीक से यूज नहीं कर पाते। अब अनुपात पढ़ लिया, SI/CI बहुत सी चीज़ें होती हैं, पढ़ के बैठ जाते हैं लेकिन यूज़ नहीं कर पाते। देखो रेशियो का यूज कहाँ पर होता है, सबसे पहले ये बेसिक सी बात याद रखो कि जहाँ कहीं भी समान क्वांटिटी वाली राशियों को, समान राशियों को बांटा जाए वहां हमेशा अनुपात की बात की जाती है रेशियो की। जैसे मैं यदि बात करूं आपको, यदि आपके पास 1000 रुपए हैं और आपको इसे ए बी और सी में बांटना है, मेरी बात समझना ध्यान से। यदि मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1000 रुपए हैं, आपको ए में देना है, बी को देना है और सी को देना है, ठीक है, तो मैं क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि ए को मैं रुपए में पैसे दे दूं, इसको मैं कह दूं आप पैसे में ले लो और इससे कह दूं आप डॉलर ले लो पैसे, क्या ऐसा संभव है क्या? तो ये तीनों की राशि क्या हुई, अलग अलग। यदि हमारे पास यहाँ पे राशि एक साथ इकट्ठी है तो बांटेंगे क्या है, हम सभी को रुपए में ही बांटेंगे। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है आपको कि अनुपात होता क्या है। एक समान जो राशियां होती हैं उनको जिस अनुपात में अपन बांटते हैं, जिस चीज में अपन कन्वर्ट करते हैं, वही चीज क्या कहलाती है आपकी, अनुपात कहलाती है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं अपन अनुपात की। अनुपात होता क्या है, जब हम दो संख्याओं को इस प्रकार से बांटें, किसी एक नंबर को दो संख्याओं में इस प्रकार से बांट दें अपन इसमें, जिससे कि दोनों का ये क्या हो जाए, सबसे सूक्ष्मतम रूप हो जाए। इससे 2 और 3 लिखा तो ये क्या दोनों अनुपात आपके सबसे छोटे रूप में है कि नहीं, सबसे लोवेस्ट फॉर्म में, सूक्ष्मतम रूप में, जिससे कि हम इनके और अधिक टुकड़े ना कर पाए, इसको हम और अधिक सरल ना बना पाए, तो वही चीज क्या होती है आपकी, रेशियो कहलाती है। दो संख्याओं का सबसे, दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा रूप और अनुपात कहलाता है, ठीक है। यदि मैं कहूँ कि क्या 4:8, क्या ये दोनों संख्याएं अनुपात में हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं, ये दोनों संख्याएं अनुपात में नहीं है, क्योंकि लिखी तो अनुपात में है, ये साइन होता है अनुपात का, लिखी तो अनुपात में है लेकिन ये अनुपात में है नहीं, क्योंकि ये अपने सरलतम रूप में नहीं है। तो जब 4 से मैंने काटा तो 4 × 4 और 4 नहीं आए, तो ये वैल्यू क्या होगी इसकी, रेशियो वाली होगी, ये भी क्या होगी इसकी, रेशियो। तो पहली बात हमें जाने की अनुपात क्या होता है। अब दूसरी बात करते हैं समानुपात क्या होता है। अब इसका कहा उपयोग करते हैं, समानुपात का मतलब देखो, जिस चीज को आपने बांटा है उसको समान अनुपात में बांटो। सिंपल सी बात है, यदि घर में 4 भाई हैं और जो भी आप हिस्सा बांटी कर रहे हो घर में, जो भी आप बांट रहे हो उस चीज को, तो सबको बराबर बराबर हिस्से मिलने चाहिए हर एक चीज का, तो वही चीज क्या कहलाती है आपकी, समानुपात कहलाती है। समानुपात का जो साइन होता है, जब हम दो बिंदुओं को इस प्रकार से जमा दें कि वह 4 हो जाती है, और इसी को अपन क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। इसका सिंबल या तो ये होता है या फिर ये होता है, जैसे कहें अपन ये अनुपात बी, समानुपात सी अनुपात बी, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाते हैं तो उन्हें हम समानुपात कहते हैं। जैसे ए बटे बी बराबर होगा सी बटे बी के, यदि मैं एक तो ये हो जाएगा इसका बेसिक, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 3/4 बराबर 12 छोड़ देते हैं 8:1 और बराबर दिया मैंने 3:4, तो ये ए हो गया, ये बी, ये सी और डी, क्या ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं? हाँ ये बराबर है, इसको अपन क्या कहेंगे, समानुपात कहेंगे। यदि इसी में अपन जाने जिसमें 1/2 बराबर लिखा है 4/8, क्या ये दोनों अनुपात समानुपात में है, देखते हैं 1/2 ये 4 × 4 नहीं आ, तो 1/2 बराबर 1/2, ये दोनों वैल्यूज भी क्या है आपकी, समानुपात, ठीक है।
चलिए अब इसमें जानते हैं कि अनुपात आपके कितने प्रकार से होते हैं। सबसे पहले होता है प्रथमानुपात, इसको इंग्लिश में कहते हैं फर्स्ट रेशियो। फर्स्ट रेशियो क्या होता है, जैसे यदि मैं यहाँ पर कुछ अनुपातों को लिखूं ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, तो जो पहले नंबर पर स्थित होता है उसे कहते हैं प्रथमानुपात, जो दूसरे नंबर पर रहता है या फिर जो दो अनुपातों के बीच में रहता है उसे क्या कहते हैं अपन, मध्यानुपात। जो तीसरे नंबर पर रहता है उसको कहेंगे अपन तृतीयानुपात, और जो चौथे नंबर पर रहता है उसे अपन क्या कहते हैं चतुर्थानुपात कहते हैं, मतलब फोर्थ रेशियो कहते हैं। दिस इज फर्स्ट रेशियो, दिस इज सेकेंड रेशियो या फिर मिड रेशियो, थर्ड रेशियो या फिर फोर्थ रेशियो, ठीक है। अब देखिए इनकी जो क्वेश्चन आते हैं पेपर में कैसे पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने आपसे पूछा यहाँ पर आप मुझे बताइए तीन व चार का प्रथमानुपात क्या होगा, प्रथमानुपात ना आपको प्रथमानुपात भी निकालना है इसी का, देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। प्रथम मतलब कौन सा अनुपात निकालना है अपन को, पहला वाला अनुपात निकालना है। तो देखिए पहला अनुपात हमको पता है कि अपन ने मान लिया कितना मान लिया अपन से x, तो पहला अनुपात आपका x हो गया अनुपात, ये दूसरा वाला हो गया और ये क्या हो गया आपका तीसरा वाला। निकालने का तरीका क्या होता है, पहले इसका रेशियो को निकालो बराबर फिर इसको ऐसे करो, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का x बटा तीन तीन बटा चार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ले आओ इसको यहाँ ले लो, तो x बराबर इसको यहाँ ले जाओ तीन गुना तीन बटे चार, तो x बराबर कितना आएगा नौ बटे चार। ये जो वैल्यू होगी नौ बटे चार ये क्या होगी इसका प्रथमानुपात हो जाएगा, ठीक है। अब जानते हैं इसी अपन द्वितीय अनुपात कैसे निकालते हैं या फिर मध्यानुपात कैसे निकालते हैं। देखिए जरा एक एक दो दो क्वेश्चन देख लीजिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है क्योंकि बेसिक चीज है आपको बस पता होना चाहिए, मोस्टली बच्चों को ये चीजें बताते होंगे ज्यादातर बच्चों को, ठीक है। द्वितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, यदि इसी में कहूँ तीन बार चार का द्वितीय अनुपात निकालो सेकेंड वाला, तो वह क्या होगा दूसरा वाला निकालना, तो अपन क्या मान लेंगे मन से सबसे इसको एक्स मान लेंगे, पहला अनुपात तीन है दूसरा वाला द्वितीय मतलब दो और ये कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो क्या होगा थ्री अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स बाई फोर क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये वाली वैल्यू आएगी चार गुना तीन बराबर एक्स गुणित एक्स, तो आएगा आपका एक्स इसके बराबर बारह, तो एक्स बराबर अंडर रूट बारह, या फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो चार बाहर निकल के आएगा चार का दो और रूट थ्री, यही क्या हो जाएगा इसका द्वितीय अनुपात हो जाएगा या फिर इसका मध्यानुपात हो जाएगा। देखिए निकालते कैसे हैं, जो चीज आपको निकालना होती है उसको मान लो पहले x और उसके स्थान पे जाके उसको रख दो, यहाँ पे आपको दूसरा वाला निकालना था तो इसको मैंने मान लिया ये है पहला, दूसरा हमने ये मान रखा जो दे रखा है वो क्या हो गया आपका तीसरा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें मैं आपसे कहूँ पांच व आठ का तृतीयानुपात, तृतीयानुपात क्या होगा, तो आप क्या मानेंगे इसमें इसको x। अब तीसरा वाला क्या है, तीसरा मतलब c, तो पहला वाला पांच दूसरा वाला आठ तीसरा वाला क्या रहेगा आपका c, तो पहले क्या होगा पांच बटे आठ इन दोनों का अनुपात बराबर फिर इन दोनों का आठ बटे क्या हो जाएगा आपका x, x का गुणा यहाँ कर दो तो पांच गुणित x बराबर आठ गुणा आठ ये वाली वैल्यू यहाँ बन जाएगी, तो पांच x बराबर आठ बटे चौसठ, तो x बराबर चौसठ बटे पांच। अब ये क्वेश्चन मैं आपको मन से करा रहा हूँ इसलिए ये वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है, पेपर में जो क्वेश्चन पूछी जाएगी आपसे वो एग्जैक्ट ऐसी वैल्यू पूछ जाएगी जो आपकी आसानी से डिविजिबल होगी, आसानी से जो कट जाएगी, ठीक है। अब जानते हैं इसमें चतुर्थानुपात का क्वेश्चन कैसे आ सकता है, कैसे पूछेगा आपसे, जैसे मैंने बोल दिया कि आठ व नौ, आठ नौ व दस का चतुर्थ अनुपात अनुपात, लेकिन इसका फोर्थ रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं, फोर्थ रेशियो क्या मान लो गया x, तो पहला हो गया 8
दूसरा हो गया 9, तीसरा हो गया 10, चौथा कितना हो गया x। अब मुझे बताइए यहाँ पे बात, क्या हम इस केस में ऐसा करेंगे 8/9, 9/10, 10/x, तो ऐसी कंडीशन में तीन तीन वैल्यू बन जाएगी। इस केस में ऐसा नहीं करते हैं, जब अपना रेशियो तीन में रहती है वैल्यू तो अपन पहले इन दोनों को फिर इन दोनों करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो चार वैल्यू है, क्योंकि 1, 2, 3, 4 हमें चार वैल्यू चाहिए पड़ती है किसी भी चीज को मान निकालने के लिए रेशियो के फॉर्मेट में। तो देखो वो क्या पहले करेंगे इन दोनों का, तो 8/9 इज इक्वल टू फिर करेंगे इन दोनों का, तो क्या होगा 10/x। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x बराबर 9 × 10, तो x इक्वल टू 9 × 10 डिवाइड बाय 8, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको और सॉल्व करेंगे, 2 से कट जाएगा ये 5 बार, 2 से ये 4 बार, 9×5 45 और 45 रोटी क्या जाएगी बड़ी घर की 4, जो क्या होगा इसका चतुर्थानुपात हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने जाना कि प्रथम अनुपात कैसे निकालते हैं, द्वितीय अनुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय और चतुर्थ अनुपात को कैसे हम ज्ञात करते हैं, मध्यानुपात भी निकालना हमने इसमें सीख लिया है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, इसमें मध्यानुपात के केस में आपको इसमें बताना है करना है इसको, हम के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं चारों के लेकर में, तो आपको बताना है 9/36 का मध्यानुपात क्या होगा, दूसरा प्रश्न है आपके 10/18, 10.18/20 का चतुर्थानुपात क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन आपको करना है 7.3 कर लो इसको 7/21 का तृतीयानुपात। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं या आपने इस वीडियो को अच्छे से पढ़ा है तो इन क्वेश्चन के आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं चेक करके आपको इसके आंसर बताऊंगा कि आपने सही किए हैं गलत किए हैं। बात ये नहीं है कि आपको ये आता है कि नहीं आता, आता है तो बहुत अच्छी बात है, अति प्रसन्न हूँ इस बात को मैं, तो आपको आता है बहुत अच्छी बात, लेकिन समय के साथ हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। यदि कोई चीज़ आपको छोटी से छोटी सिखा रहा है या बड़ी से बड़ी, हमें कोई चीज़ आ भी रही है तो भी हमें उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक नहीं है इसमें कि हमें आ रहा है तो हम इसको जाने ना, हमें जानने चाहिए चीज़ों को। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें लंबे समय तक आपको आपके और टाइप से बताते हैं। नेक्स्ट है वो जो 5वां आपका वर्गानुपात, इंग्लिश में कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो। अब ये रेशियो क्या होता है, वर्ग मतलब होता है आपका क्या स्क्वायर, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है 2:5 का वर्गानुपात ज्ञात कीजिए, तो वर्गानुपात का मतलब इस वाले रेशियो का हमें वर्ग ज्ञात करना है, मतलब इसका क्या लेगा डुप्लीकेट मतलब डबल करना है आपको इसका स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो वैल्यू क्या होगी, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो ये क्या हो गया 2:5 का क्या हो गया वर्गानुपात हो गया। वर्ग मतलब आपको स्क्वायर निकाल के आंसर करना है, वर्ग मूलानुपात मतलब सब डुप्लीकेट रेशियो। अब ये रेशियो क्या होता है आपका, वर्ग मतलब आपका वही होता है घातुक, लेकिन इसमें क्या लगा दिया उसने मूल लगा दिया, मूल का मतलब होता है कि जो भी आप आगे लिख रहे हैं उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, मतलब जो भी नंबर लिखा है इसका आप स्क्वायर रूट निकाल दो, ये वाली चीज स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो क्या कहलाता है वो आपका वर्ग मूलानुपात कहलाता है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, 36 का कितना होता है 6, तो ये क्या हो जाएगा 25/36 का वर्ग मूलानुपात हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका दिया है घनानुपात, घन मतलब होता है आपका क्यूब, जैसे हमने कहा ट्रिपलेट मतलब पावर 3, तो 3 की पावर क्या कर देंगे इस पे 3 कर देंगे, 6 की पावर क्या कर देंगे 3 कर देंगे, 6 3 3 9 3 27, 6 6 36 16, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 3:6 का क्या हो जाएगा घनानुपात हो जाएगा। उसके बाद लिखा है घन मूलानुपात मतलब सब ट्रिपलेट,
ऐसे वर्ग में अपन ने इसके रूट निकाला है, तो इसमें क्या निकालेंगे अपन, क्यूब रूट निकालेंगे, 8 का क्यूब रूट निकालेंगे और 27 का क्यूब रूट। 8 का क्यूब रूट होता है कितना, 2, और 27 कितना होता है, 3। ये सब आपको निकालना आते होंगे, बेसिक वाली चीजें हैं। जैसे 25 का 5 होता है वर्ग, जैसे कितना होता है 36 का 6, ऐसे इसमें करते हो। तो 8 का यदि आप निकालना चाहते हो तो 8 में सकते हो 2 * 2 * 2, और ये इसका क्यूब रूट एक बाहर आएगा तो क्या निकल जाएगा, 2। 3 का 9 * 27, इसका बाहर निकल के आएगा कितनी वैल्यू आएगी, 3, क्योंकि हम 3 के पेयर इसमें बनाते हैं। तो ये ज्यादा कठिन है नहीं, आपके जो नाम है वही आपको करना है। इसमें घात 2 करते हैं, इस वाले में स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, इस वाले में क्यूब निकालते हैं, इस और इस वाले क्या करते हैं, उसका क्यूब रूट कर देते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आना चाहिए। इससे क्वेश्चन को ज्यादा डिफिकल्ट होते नहीं है, 2 या 3 रेशियो देते हैं और इससे क्वेश्चन आप उसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए आप इसमें। आगे क्या है इसमें, नेक्स्ट वाला ये वाला 8 और ये 9 वाला, 9 की बात करते हैं अपना, व्युत्क्रमानुपात। बहुत ज्यादा आईएमपी है ये वाला, बहुत बार एग्जाम में आता है और हमें परेशान करता है। नाम से लग रहा है सरल है लेकिन होता नहीं है इतना। इसको बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स रेशियो अनुपात। देखो होता क्या है, व्युत्क्रम जो लिखा है इस शब्द का मतलब होता है, इनवर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को आप उल्टा कर दो, पलट के लिख दो, पलट दो। जैसे हम सीधे, जैसे मैं यहाँ सीधा खड़ा हूँ, यदि मैं हाथ के ऊपर खड़ा होता हूँ तो मैं उल्टा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो इनवर्स मतलब, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज, पैन सीधा ऐसा कर दिया तो क्या होगा, ये उल्टा हो गया। तो देखिए व्युत्क्रमानुपात कैसे निकालते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, यदि मैंने आपसे इसमें कह दिया कि आपके पास संख्या क्या है, 5, 5 का उल्टा क्या होता है। देखो गणित की भाषा में व्युत्क्रम का मतलब होता है कि जो भी संख्या आपको दी गई है प्रश्न में उसको आप 1/2 करके लिख दो, 1/1 में लिख दिया। तो ये चीज, ये है संख्या 5 और ये क्या हो गया, इसका व्युत्क्रम हो गया, इसका इनवर्स हो गया। जैसे यदि मैंने सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ 8, तो 8 का इनवर्स क्या होगा, 1/8। सबसे पहले तो आपको ये बात याद रखना है क्योंकि ये एकदम बेसिक चीज है और इसी से आपके क्वेश्चंस बनेंगे पेपर में, इसी से बनेंगे इनवर्स, मतलब इनवर्स वाले क्वेश्चन। यदि आप ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो उसके ट्रिक कुछ समय तक आपको याद रहेगी, लेकिन यदि बेसिक आपने एक बार ध्यान से पढ़ा है तो आपको वह चीज लंबे समय तक याद रहने वाली है। ठीक है, ट्रिक पढ़ो लेकिन पहले बेसिक पे कमांड बनाओ अपनी, तभी आपके ट्रिक काम की है, अन्यथा कभी काम नहीं करेगी आपका। कुछ समय तक याद रहेगी फिर आप भूल जाओगे। जैसे लॉकडाउन में आप पढ़ाई कर रहे हो, पहले पता नहीं कब पढ़ा होगा चीजों को, और अभी यदि क्वेश्चन करने बैठोगे बिना पढ़े तो करने में क्या होगी, आपको दिक्कत आएगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन इसके। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपसे कह दिया कि आप मुझे बताइए कि 2:3 का व्युत्क्रम अनुपात कितना होगा, पाथ क्या होगा, इनवर्स रेशियो इसका क्या होगा, ये फाइंड करना है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि 2:3 लिखें, 2 है अनुपात आपके 1 और 1 2, तो आप इसका उल्टा कर दो, 3:2, और ये क्या हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है। तो जो बच्चा ऐसा सोचता है वो सही सोच रहा है, लेकिन ये बात कब तक सीमित है, जब आपके 2:1 प्रश्न में दिए हैं। यदि मैं इसी में एग्जांपल के तौर पर आपसे कह दूं कि 2:3:6 का व्युत्क्रम अनुपात कितना होगा, तो यहाँ पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होती है, यहाँ पे आप इस चीज को नहीं लगा सकते। देखो 2 थे तो 3 को उल्टा कर दिया, इधर इसको मतलब 2 के स्थान पर आ गया 3, 3 के स्थान पर क्या आ गया 2, ये होती है आपकी ट्रिकी मेथड, जिसको आप रट के पढ़ लेते हो या फिर समझ से कर लेते हो। ठीक है, लेकिन जब जैसे ही आपके रेशियो 2 से बढ़ के 3 हो गए तो उसके इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि 6 को यहाँ ले आओ, 2 को इधर पहुंचा दो, 3 को इधर पहुंचा दो, तो ये इसके इसमें आंसर क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि बेसिक से ये चीज वास्तविकता में होती क्या है। देखिए पहले इसको जानते हैं 2:3, मुझे बताना, अभी मैंने आपको बताया था कि 5 का उल्टा कितना होता है, मैंने बताया था 1/5, तो मुझे बताओ 2 का उल्टा कितना होगा, 2 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/2, तो बीच में क्या लगा है अनुपात, तो अनुपात।
अनुपात लगा दो, तीन का अंतर कितना होता है एक बटे इतना कर लोगे। अब इतना करने के बाद क्या ये अनुपात में लिखी संख्या है? नहीं लिखी, अनुपात में तो लिखी है लेकिन ये संख्या क्या है अपने आप में एक भिन्न संख्या है, हमें इस फॉर्मेट में मात्र चाहिए सामान्य रेशियो में नॉर्मल रेशियो में। तो जब भी कभी भी दो संख्याएं आपकी फ्रैक्शंस में दी हो भिन्न में दी हो और हमें उसे इस वाले रेशियो में कन्वर्ट करना हो सामान्य रेशियो में, तो हम सबसे पहले इन नीचे की संख्याओं का सबसे पहले क्या ज्ञात करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो दो और तीन का एलसीएम लिखते हैं वन साइड में जो कि कितना हो जाएगा आपका छह जाएगा, कितना जाएगा दो और तीन का एलसीएम छह। अब जैसे ही आपका एलसीएम आ गया छह तो इस छह से आप क्या करना इन दोनों संख्याओं में गुणा करना है, तो छह गुणा एक बटे दो बीच में लगा है बड़ा सा अनुपात छह गुणा एक बटे तीन ये लगा दो, तो दो से कट जाएगा ये तीन बार, तीन से भी वैल्यू कट जाएगी दो बार, तो आंसर क्या जाएगा आपका तीन अनुपात दो। देखो यहाँ पर भी वही किया था लेकिन ये कब तक सीमित होता है जब आपके प्रश्न में केवल दो अनुपात लिखे, जैसे ये अनुपात आपके तीन या चार हो जाते हैं वैसे ही क्या होती है दिक्कतें क्वेश्चन में आना चालू हो जाती है। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले एक और क्वेश्चन करते हैं अपन, यहां पे देख लीजिए आप। अब मैं आपको तीन वाला क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि दो वाला क्वेश्चन तो आप आसानी से बना लेंगे, ये मैं बात मान के चलता हूं ठीक है। तीन वाले क्वेश्चन में जो अपन ने नीचे यहां पे लिखा था वही ले लेते हैं कि दो अनुपात तीन अनुपात छह का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। सबसे पहले बताओ कि दो का कितना होगा, जैसे इस दो का कितना था एक बटे दो, तो इसका भी कितना होगा एक बटे दो अनुपात, इसका एक बटे तीन हो जाएगा व्युत्क्रम, इसका एक बटे छह। जो काम अपन ने इसमें ये वाला किया था वही काम अपन ने इन तीन अनुपातों में इसके लिए कर लिया। फिर मैंने क्या कहा था कि नीचे वाली संख्याओं का क्या लेते हैं अपन एलसीएम, तो दो तीन और छह का अपन क्या लेंगे सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम सभी बच्चों को निकालना आना चाहिए और नहीं आता है तो आप उसको सीखिएगा। यदि आपको एलसीएम निकालना ठीक से नहीं आता है, जो भी बच्चे हैं जो पहली बार एक चीजों को पढ़ रहे हैं या पहले कभी पढ़ लिया है, ठीक से यदि आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मुझे, आप बताइए कि हमें सर सीखना है एलसीएम, तो मैं आपको छोटी सी वीडियो बना के सिखा दूंगा कि एलसीएम निकालना कैसे करते हैं, क्योंकि ये चीज ऐसी कॉमन चीज है। बहुत से बच्चे हैं यदि स्टार्ट करते हैं पहली बार पढ़ाई करना तो नहीं आती है चीज समझ में, बहुत से बच्चों को आता है क्योंकि उनने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। मैं केवल उन बच्चों के लिए ये बात बोल रहा हूँ जो पहली बार इस चीज को पढ़ रहे हैं और उनको समझने में कठिनाई आती है कहीं ना कहीं, उनके लिए ये चीज मात्र बेसिक को लेकर उठा के बात कर रहे हैं। एडवांस में आप पढ़ सकते हो चीजों को लेकिन पहले बेसिक आना बहुत जरूरी है, उसी के लिए मैं ये वीडियो आपको बना रहा हूँ ठीक है। देखो एलसीएम दो तीन और छह का क्या होगा, दो तीन और छह ऐसे लिखा आपने, सबसे पहले इसमें सबसे छोटी संख्या चूज करो जिससे इसमें भाग जाएगा तो भाई क्या आपकी दो, दो एक दो तीन में नहीं जाएगा, तीन का तीन दो तीन छह, फिर बताओ मुझे एक आ गया छोड़ दो इसको, अब कैसे भाग देंगे अपन तीन से, तो एक का एक तीन एकम तीन तीन एकम तीन, जहां पर ये दोनों मान लिखे होते हैं दो गुना तीन यही दोनों वैल्यू क्या होती है अपना एलसीएम होती है। तो एलसीएम इन तीनों के कितना आ गया आपका छह। फिर मैंने आपसे कहा था कि एलसीएम आने के बाद में इनमें से गुणा कर दो, तो छह का गुणा करेंगे पहले एक बटे दो में, आपको इसमें लग रहा होगा कि मैं बहुत ज्यादा धीरे धीरे स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ इजी क्वेश्चन कर रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए इस बात को, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने में कमजोर है जिनको मैथ समझने में कठिनाई होती है और बेसिक से बहुत दूर है, लोग जो अदर बैकग्राउंड से जो कॉमर्स से आते हैं 11 12th में कॉमर्स कर रहा है क्या होता है कि चीजें पढ़ते नहीं बहुत टाइम तक तो याद नहीं होती है, केवल उन्हीं के लिए क्योंकि जो मैथ से होते हैं उनको ही चीजें एकदम ऐसी होती है कि चुटकियों में चीज हो जाती है, सही की बात है क्योंकि उन्होंने उस चीज को पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ा वो उनके लिए ठीक है। तो ये कितना कट जाएगा, दो से कट जाएगा ये तीन बार, तो दो तीन छह, तीन से कट जाएगा ये दो बार, तीन से ये दो बार हो गया, छह से कट जाएगा एक बार, तो छह से, तो तीन अनुपात दो अनुपात एक क्या हो जाएगा, दो तीन छह का क्या हो जाएगा व्युत्क्रम, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी व्युत्क्रम, क्योंकि इसका क्वेश्चन दो के फॉर्मेट में पेपर में आना बंद हो गया, अब नहीं आता है क्योंकि ये चीज हो चुकी है पुरानी सरल, तीन का भी आना बंद हो गया, लेकिन अब चार और पांच पांच के क्वेश्चन आते हैं जिनको ऐसे
असली में आपको एकदम बेसिक बता रहा हूँ, और ये चीज ऐसी है आपको जो लंबे समय तक याद भी रखना है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं इसमें। मैंने यहाँ पे लिखा कि 12 अनुपात 8 अनुपात 6 अनुपात 3 का व्युत्क्रम अनुपात क्या होगा। चलिए बताइए मुझे कैसे करेंगे अपन इसको। बेसिक है एकदम पूरा करना, इसको ज्यादा कठिन काम नहीं है। सबसे पहले वही काम करेंगे जो अभी कर रहे थे अपन, स्टार्टिंग से करना है, कुछ ज्यादा कठिन काम नहीं है। 12 का उल्टा कितना होगा? 1/12। 8 का कितना होगा? 1/8 हो जाएगा ये। 6 का कितना होगा बच्चों बताओ? 1/6। 3 का कितना हो जाएगा? 1/3। अब क्या करते थे इन सब का अपन क्या निकालते थे? LCM निकालते थे। LCM निकालो 12, 8, 6 और 3। सबसे पहले ऐसी संख्या का चुनाव करें सबसे छोटी से छोटी संख्या का, जिसमें इसमें सब संख्याओं में किसी एक में भाग चला जाए। तो 2 से कट जाएगी संख्या 6 बार, 2 से ये 4 बार, 2 से ये 3 बार, 3 का 3। जिसमें नहीं जाता है उसको वैसे ही क्या वैसे ले दो। 2 से ये 3 बार, 2 से ये 2 बार, 3 का 3, 3 का 3। अगेन 3 का 3, 2 से 1, 3 का 3, 3 का 3। 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3। ये 1 का 1 ही रहेगा। तो देखिए LCM कितना आ गया, 2 × 4, 4 × 8, 8 × 3, 24। तो 24 क्या आ गया हमारे नीचे की वैल्यू का LCM आ गया, ये वाली वैल्यू आ गई। फिर मैंने सिखाया था कि LCM कैसे गुणा करो, इसी में कर दूं राइट। पहले इसमें करो, यहां पर चलो इसमें करो पहले 24 का, इसमें करो आप 24 का, इसमें करो आप 24 का गुणा, इसमें करो आप 24 का गुणा। 12 × 24 मतलब 2, 8 × 3 = 24 मतलब 3, 6 × 24 मतलब 4, 3 × 8 = 24 मतलब 8। ये क्या हो जाएगा? 12, 8, 6, 3 का व्युत्क्रम अनुपात हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ा इसमें क्या व्युत्क्रम अनुपात के बारे में। अब आगे जानते हैं अपन सतत अनुपात के बारे में कि सतत अनुपात क्या होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं कंटिन्यूअस रेशियो कहते हैं। एक के बाद इसमें संख्याएं आती हैं। इसका एसपी सुन लो, क्वेश्चन कर लो, 2 या 3 क्वेश्चन सफिशिएंट है, इसके ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि यदि आपको इसका बेसिक पता है तो ऐसे आप हजारों क्वेश्चन बना लेंगे। लेकिन कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन होंगे जो थोड़ा मतलब थ्योरेटिकल में दिया होगा, लिख के दिया होगा, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए मैं आपको अलग से बता दूंगा। ठीक है, क्या होता है आपका सतत अनुपात जो आपको जाएगा कौन सा 10वें नंबर का अनुपात। देखिए सतत अनुपात का मतलब क्या होता है, एक के बाद का अनुपात। यदि मैं कुछ अनुपात दे दूं, ए अनुपात, बी अनुपात, सी अनुपात, डी, और ऐसे ही अनुपात क्या है आपके आगे तक चल रहे हैं। तो कोई भी 2 अनुपात सतत अनुपात कब कहलाते हैं? जब सभी अनुपात आपस में क्या हो जाए आपके फ्रैक्शन के फॉर्म में बराबर हो जाए। पहले इन दोनों का रेशियो निकालो, ए अनुपात बी बराबर होना चाहिए इन दोनों का रेशियो b/c, फिर इन दोनों का बराबर c/d, मतलब कंटिन्यू a/b, b/c, c/d। तो ये तीनों रेशियो क्या होना चाहिए आपस में बराबर, तो ही हम उसको क्या कहते हैं सतत अनुपात कहते हैं, नहीं तो हम उसको सतत अनुपात नहीं कह सकते। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे यदि क्वेश्चन किया कि आप मुझे बताइए 2 अनुपात 4 अनुपात 8 क्या ये तीनों अनुपात सतत अनुपात में है अथवा नहीं है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 अनुपात 4 लिखेंगे बराबर, फिर क्या लिखेंगे 4 अनुपात 8 लिखेंगे। चेक करो, 2 × 2 = 4, 4 × 4 = 8, 1/2 = 1/2। क्या ये दोनों मान आपस में बराबर है अनुपात के रूप में? हाँ ये मान बराबर है, तो ये अनुपात आपका सतत अनुपात होगा। यदि ये मान आपके बराबर नहीं आ रहे तो ये आपका सतत अनुपात नहीं होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लीजिए इसमें। मैंने आपसे कहा कि आप मुझे बताइए कि 5 अनुपात 10 अनुपात 25 क्या ये तीनों अनुपात सतत अनुपात में है अथवा नहीं है। तो देखिए करते हैं चेक। पहले क्या होगा, 5/10 = 10/25
25, 5 × 5 5 × 2 10, 5 × 2 10 लेकिन 5 × 25 यहाँ पे आ रहा है 1/2 और ये कितना है 2/2। क्या ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है? नहीं है बराबर। तो ये वाला अनुपात जो आपका दिया है क्वेश्चन में यह सरल अनुपात नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।